हमारे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क और कानून मंत्री पीसी शर्मा। पीसी जी, एक तो हनी ट्रैप वाले मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको, मंत्रियों को बीजेपी ने षड्यंत्र करके उनको सरकार को ऐसी कोई कवायद की थी, ऐसा षड्यंत्र रचा गया। निश्चित तौर पर ये जो जानकारियाँ आ रही हैं, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से या और भी जो सूचना तंत्र के माध्यम से, उसमें कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि ये पूरा जितनी भी नेत्रियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पदों पे रही हैं, टिकट लेने वाली थी ऐसी नेत्रियां रही, और इसमें बहुत से लोग बीजेपी के जो है वही फंसे हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अब वो उसमें एक टीम गठित हो गई है पुलिस की, तो निश्चित तौर पर और खुलासे होंगे। क्या लग रहा है कि ये लोग, जैसा कि बताया कि बीजेपी में थी जो युवा मोर्चा में, तो वो क्या पूरी तैयारी थी कि कांग्रेस के विधायकों को जिस तरह से तैयारी थी पूरी, और उनको फंसाना और फंसा के उनको डरा के तोड़ना, ये पूरी योजना थी, ताकि सत्ता में कुछ सत्ता हथियानी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बिल्कुल समय पावर के लिए जो जिसको कहना चाहिए तड़फ रहे हैं, 15 साल रहे मुख्यमंत्री तब कुछ किया नहीं, और पावर के बिल, बिजली के बिल जला के पावर में आना चाहते हैं। तो पावर के साथ साथ ये भी है कि कुछ कांग्रेस के विधायक हैं, कुछ लोगों को 7-8 विधायक हैं जैसा कि सुनने में आया था, और कुछ मंत्रियों को भी ये इस हनी ट्रैप में पूरा तैयारी करके सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश। तो मैंने कहा ना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अस्थिर करने, और ये बात क्या करते हैं कि CBI की जाँच हो, जिस तरह से व्यापम मामले में क्लीन चिट दे दी CBI ने, तो ये इसको भी वहाँ ले जाओ और हर चीज़ में क्लीन चिट आ जाए, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के जो जनसंपर्क और कानून मंत्री हैं वो ये साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हनी ट्रैप मामले में कहीं ना कहीं सत्ता जो कमलनाथ सरकार है उसको अस्थिर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी षड्यंत्र के तौर पर कर रही थी। कैमरा पर्सन विनय नायडू, साथ में श्रीवास्तव, R9 TV, भोपाल।